काम करूंगा, मैं आगे ऐसे और भी अपडेट्स करके लाऊंगा, जिसमें अभी 6 सीरीज लाया हूँ, 7 लाऊंगा, 8 लाऊंगा और बहुत सारी सीरीज लेके आऊंगा। दूसरों का पता नहीं पर देवेंद्र अग्रवाल आपके लिए बहुत कुछ मोबाइल रिपेयरिंग में अपडेट, मोबाइल के रिपेयरिंग के आपको सोल्यूशन देता रहेगा। देखिये दोस्तों, मैं आपके सामने एक फोन, देखिये 2.0 मिल गया है ना, तो इसका मतलब ये हमारा हायर LDO भी बन गया है। तो बेसिकली ये जो DSO में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पल्स स्विचिंग के हैं। तो हाय माय YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग? यार मैंने अभी एक वीडियो बनाया था ना आप लोगों को, तो उस वीडियो का एक प्रैक्टिकल आप लोगों को देने के लिए ये वीडियो और बनाया है। तो प्रैक्टिकल दे देते हैं और हम सुनते हैं सिर्फ अपनी इज्जत की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्म। तो हाय माय YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग? यार मैंने अभी एक वीडियो बनाया था ना आप लोगों को, तो उस वीडियो का एक प्रैक्टिकल आप लोगों को देने के लिए ये वीडियो और बनाया है। तो प्रैक्टिकल दे देते हैं और यहाँ पर देखिए, मैंने ये Note 6 Pro ही लिया है इस बार। PMPML का सर्किट है, नोटिस करना, यहाँ पर L लगी हुई है, देखिए दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर L लगी हुई है, देखिए दिख रही है L। तो दोस्तों यहाँ पर ये फोन मैं टेस्टिंग के लिए आपको दिखा रहा हूँ। ओके, तो दोस्तों ये फोन मैं आपको टेस्टिंग के लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए मैंने चार्जर लगाता हूँ और हम सारी लाइनें चेक करते हैं और PM को टेस्ट करेंगे हम खाली। ठीक है, अगर हम सीखेंगे नहीं तो हम बनाएंगे क्या? आप किसी भी एक फोन में एक कैपेसिटर की शॉर्टिंग निकालते हुए देखकर अगर खुश हो जाते हो तो फिर क्या आपका मोबाइल रिपेयरिंग, काई बात की मोबाइल रिपेयरिंग, अगर आप किसी चीज को सीखते नहीं हो, समझते नहीं हो। देखिए चार्जर लगाया, डिस्प्ले हटा के रखा हुआ है, कोई काम नहीं डिस्प्ले का। अब यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि इनपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, ठीक है। तो इसको DC वोल्ट पे रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारा 5 वोल्ट एंटर होना चाहिए, हो गया 5.2। अब हम यहाँ देखेंगे, अभी मैं L में नहीं आऊंगा, L का मैं पहले वीडियो बनाऊंगा एक्सप्लेन करने के लिए, उसके बाद मैं L पे आऊंगा। फिलहाल मैं यहाँ पे आऊंगा और जो जो इम्पोर्टेंट अभी वीडियो में बताया वही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो नोटिस करो, तो यहाँ पर सबसे पहले ये मेरा PM लगा हुआ है 660, ठीक है। अब ये मेरा PM660 लगा हुआ है, इसी के बारे में मैंने अभी वीडियो बनाया था, इससे पहले आपने देखा होगा, और नहीं देखा तो वीडियो देख लो, क्योंकि वो है ना पेड कंटेनर क्लास का, वो कोई नहीं देता और दे दिया है बस देवेंद्र अग्रवाल ने। आप अगर कोई और दे तो एक अलग बात है। सो नोटिस करना, यहाँ पर ये जो कैपेसिटर्स लगे ना, ये हमने BPH के कैपेसिटर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे BPH बनना चाहिए, तो चार्जर लगा के चेक कर रहे हैं और देखिए 3.2 BPH बनना है। अब देखिए यहां पर ना ये जो कैपेसिटर है, एक मेरा कैपेसिटर है आपका 5 का BBUS और एक मिड का MID, और यहां पर मेरी स्विचिंग होगी DSO के साथ, तो मैं DSO भी दिखाता हूं आपको। यहां पर भी मेरा ये जो 3.2 BPH स्विचिंग हो रही है, ये इसके साथ एक TVS डायोड लगा हुआ है, यहां पर भी मेरे को 3.2 वोल्टेज बनने चाहिए, ठीक है। और ये बूट कैपेसिटर है मेरा, तो बूट कैपेसिटर में मेरे को 3 मतलब बेसिकली 3 और 7 और 4 और 8 इसका सर्किट बनना चाहिए। तो देखिए 3 और नोटिस कीजिएगा, देखिए 8, तो 3 8 का बन रहा है यहाँ पर। और अब मैं फिलहाल इसकी स्विचिंग दिखाना चाहता हूँ, नोटिस करना। देखिए सब लोग DSO देखो, तो
अगर मैं डीएसओ की स्विचिंग दिखाऊं तो मैंने डीएसओ का माइनस यहां लगा लिया है। अब मैं इसकी स्विचिंग दिखाऊंगा, नोटिस करना। ये देखो, ये जो डीएसओ में आपको दिखाई दे रहे हैं ये पल्स स्विचिंग के हैं। ये देखिए, ये दिखाई दे रहे हैं आपको। तो बेसिकली हमारा डीएसओ, हमारा जो आईसी है वो ऑन हो रहा है ना। तो इस फोन में हमारे को पीएम को तो फिलहाल चार्जिंग के संबंध में चेंज नहीं करना है, क्योंकि चार्जिंग के जो भी मॉस्फेट है वो ऑन हो रहे हैं और चार्जिंग को ऑन कर रहे हैं। अब हम ये चेक करेंगे कि इसका बक बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो नोटिस करो कितनी कॉइल हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये पहली नंबर की हो गई। अब हम इस कॉइलों को चेक करेंगे, 1 2 3 4 5, इसमें से तीन कॉइलों पर नहीं बनना चाहिए। तो इसका डायग्राम खोलते हैं। तो ठीक है, देखिए अब यहाँ पर जैसे कि मैं डायग्राम आपको दिखा ही रहा हूँ, नोटिस करना है ना। S1, तो जैसे कि हम देखेंगे हमें पहले नंबर पे नहीं मिलना चाहिए, दूसरे पे नहीं, तीसरे पे मिलना चाहिए, 606 पर हमें मिलना, 606 पे तो मिलना ही चाहिए, तीसरे पर 601। हाँ, 601 पे मिलना चाहिए। और 606 की अगर मैं बात करूंगा तो 606 पे भी नहीं मिलना चाहिए। और 604 की बात करूंगा जो यहां लगा हुआ है, इस पे भी मिलना चाहिए, 606 पे नहीं मिलना चाहिए। 5 और 605 की अगर बात करूं, 5 तो 5 पे मिलना चाहिए, 6 पे नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, नोटिस करो। चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए, तो जहां तक मैंने समझा कि नोटिस करना, देखिए नोटिस करना, जहां तक मैंने समझा इस पे मिलना चाहिए, इस पे और इस पे नहीं मिलना चाहिए, इस पे मिलना चाहिए, फिर इस पे नहीं मिलना चाहिए और इस पे मिलना चाहिए, राइट। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं भाई, मैं ऐसा क्यों नहीं बता रहा, क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो मेरे भाई एक ये फोटो देखो और ये वीडियो है, इसके नीचे लिंक है, इस लिंक पे जाओ, इसको पहले प्रॉपर देखो समझो, क्योंकि वहां पे मैंने थ्योरी इसकी बहुत अच्छे से समझाई है। आइए चेक करेंगे। तो इस पर नोटिस करो, इस पर नहीं मिल रहा है, अब इस पर नहीं मिलना चाहिए, इस पर नहीं मिलना चाहिए, रीजन क्यों, क्योंकि मेरा वीडियो देखिए, इस पर मिलना चाहिए, तो देखेंगे चार्जर लगाएंगे फिर से। देखिए 0.8 मिल रहा है, इस पे नहीं मिलना चाहिए, इस पे मिलना चाहिए 1.3 आई थिंक, और इस पे मिलना चाहिए। फिर से चार्जर निकाल के लगाएंगे कुछ सेकेंड के लिए। देखिए 1.3, उस पर देखिए 2.0, देख लिए नहीं मिला। अब फिर से कुछ सेकंड के लिए चार्जर निकाल के लगाएंगे, इस पर 2.0 मिलना चाहिए, नोटिस करो फिर से। अब नोटिस करो, अब मैंने एक सिरा यहां पर लगा दिया है ऑलरेडी, अब मैं चार्जर लगाऊंगा,
देखिए 2.0 मिल गया है ना, तो इसका मतलब ये हमारा हायर एलडीओ भी बन गया है। तो बेसिकली आपने देखा कि आपके फोन में आपका जो पावर है वो यहाँ बिल्कुल ओके है, क्योंकि उसने अपना हायर एलडीओ बना दिया, उसने एपीसी बना दिया, उसने लोअर एलडीओ बना दिया, और बहुत सारी चीजें और भी हैं जो यहाँ पे पीएमएल में है, जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इसके लिए इसको थोड़ा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके चलो। अब इसकी स्विचिंग दिखाता हूं डीएसओ के साथ। नोटिस करो, आप डीएसओ में भी ये चेक कर सकते हो। देखिए, तो जब कॉइल पर वोल्टेज बनते हैं और जब कॉइल पर बग बनती है तो स्विचिंग होती है वहां पर, तो वहां हम डीएसओ से भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए, देख रही है, ये देख रही है, मैं थोड़ा और कम करके भी करवा सकता हूं। खैर, तो बेसिकली देखिए यहां नहीं बन रहे हैं, इसलिए ठीक है, यहां बनेंगे नहीं। यहां पर ये वोल्टेज की स्विच, ये वोल्टेज है ठीक, यहां पर होगी और यहां पर होगी, दो जगह पे होगी, एक यहां पर और एक यहां पर ठीक है, यहां स्विचिंग होगी यहां ठीक। तो भाई कैसा ला, तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे बताएगा जरूर, तो कैसा लगा ये वीडियो बताएगा जरूर, जिसमें मैंने पावर को बहुत डीप लेवल पे बताया है। मैं इसके और भी अंदर जाऊंगा, इसके अंदर बहुत सारी सप्लाईयों की बात करूंगा। भाई ये मत कोई इंस्टीट्यूट वाले या कोई भी इस तरह से कमेंट मत करना कि आपने और भी बहुत सारी लाइन नहीं बताई, क्योंकि यहाँ पे कोई मैं पेड नहीं दे रहा हूँ, जो मेरा यहाँ पर कर्तव्य है कि मैं बताऊं। क्लास में आओगे मैं सब कुछ बताऊंगा, हर एक चीज जो तुमने सोची नहीं होगी वो बताऊंगा। पर यहाँ पर फिर भी मैं पहला एक हूँ मैं कि मैंने आपको इतना खोल कर सारी चीजें यहाँ पर बताई हैं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि माफी चाहता हूँ यहाँ, क्योंकि मोबाइल रिपेयरिंग ना इससे कहीं ज़्यादा ऊपर है, और मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें तो बेसिक है। और बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं मार्केट में, जो कम फीस वाले होते हैं और जो कम फीस वाले और ये दावा करते हैं कि 20-30-40 हज़ार रुपये मत जाओ, हमसे पढ़ लो, तो मेरे भाई उनको ये भी नॉलेज नहीं है, उनको ये भी नॉलेज नहीं है। वो तो सीधे उठा के मुंह उठा के बोलेंगे डायग्राम उठा लो देख लो। मैं जो बोलूंगा बिना डायग्राम के भी लाइनें चेक कर सकते हैं, इस बात की गारंटी भी मैं दूंगा। समझ में आ रहा है, अगर मेरे से पढ़ने आओगे तो। सो थैंक यू वेरी मच ये वीडियो प्रैक्टिकल देखने के लिए, और मुझे बताइएगा कि इसमें क्या आपको सीखने को मिला। दूसरी चीज दोस्तों, मैं आपको एक और बात करना चाहता हूं, और दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि आप अगर अपने मोबाइल में चेक करेंगे तो हो सकता है कि आपको पीएमपीएमएल के सर्किट में आपको कोई भी वोल्टेज ना मिले बीपीएच की लाइन पर, और कोई बक ना बने ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर इस कैपेसिटर में और जिस कॉइल में मैंने चेक किया है, अगर ऐसा होता है और अगर मान लो ये वोल्टेज नहीं बनते हैं और कोई भी बक नहीं बनती है, तो ये मान के चलो कि आप बैटरी लगा के चेक करना ठीक है। आप बैटरी लगाइएगा और फिर देखिएगा कि आपके बीपीएच और बक दोनों बनने चाहिए। सो इसमें घबराना नहीं, क्योंकि कुछ सर्किट के इस तरीके से वर्किंग होती है कि उसमें बैटरी सेंस होती है, और यहाँ पर बैटरी सेंस होने के बाद ही सारी चीजें होती हैं। तो इसलिए अगर हमें इसको चेक करना है तो बैटरी लगा के चेक करना होगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसको बैटरी लगाइए उसके बाद फिर चेक कीजिए, और चार्जर लगा के चेक मत कीजिए। वहीं कुछ फोन में आपको उसी मॉडल में और उसी पीसीबी में आपको वहां पर चार्जर लगा के भी मिलेगा। तो आपका सवाल ये होगा कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए प्रोग्रामिंग आईसी, नोटिस करो यहाँ पे सैमसंग की लगी हुई है, वहां पर हो सकता है कोई और माइक, यहाँ पर तो खैर सैंडिस्क की लगी हुई है, हो सकता है दूसरे मोबाइल में कोई माइक्रोन की चिप लगी हो या किसी की चीज की लगी हो, सो या सैमसंग की लगी हो। सो मुझे ये जो चीजें हैं कि सर बिना बैटरी के चार्जिंग पे स्विचिंग क्यों नहीं हो रही है, और बैटरी लगाने पर चार्जिंग पे स्विचिंग हो रही है, हो सकती है बैड सेंस की लाइन है,
और यहाँ पर आप कुछ सेकंड के लिए होती है, तो इसलिए आप जैसे ही चार्जर लगाओगे तो कुछ सेकंड आप वहाँ पर रखना पड़ेगा, उसके साथ चार्जर लगाना पड़ेगा, तो ये भी दिमाग में ध्यान रखना। दूसरा, अगर ऐसा कुछ होता है तो ज़्यादा इतना लोड मत लो और सीधा बैटरी लगाओ, चार्जर लगाओ और देखो कि स्विचिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि चार्जर बैटरी लगाने पर अगर बीपीएच बनता है तो ये तो ज़रूर है, सही है कि हमारा बक, हमारा डीसी टू डीसी सही है, पर बक भी बनना चाहिए, तो हमारा बक भी वोल्टेज बन जाता है अगर हम जब बैटरी लगाते हैं। जैसे अगर ये देखिए, मैंने यहां पे बैटरी भी लगाई है, नोटिस करना। अब मैं यहां पर चेक करूंगा कि मेरा जो 3.2 आ रहा था वो 4.2 बराबर आना चाहिए। ये देखिए 3.7 आ रहा है, जो बैटरी लो है मेरी। अब देखो यहाँ पर, तो नोटिस करना, अब मैं यहाँ पर चेक करूँगा कि मेरे को यहाँ पर बनना चाहिए। अच्छा, चार्जर लगाया नहीं है, बिना चार्जर लगाया तो ये होगा ही नहीं। अब सिर्फ बैटरी लगाइए, चार्जर लगा देता हूँ। तो नोटिस करो, देखो मैंने यहाँ पर चार्जर लगा दिया है। अब यहाँ पर चेक करूँगा मैं कि मेरे को यहाँ पर वोल्टेज क्या मिलने वाला है। देखिए 0.8 मिल गया, तो चार्जर और बैटरी लगा के आपको यहाँ पे वोल्टेज मिल जाएंगे। आप नोटिस करो, यहाँ पर आपको यहाँ पर वोल्टेज होगा 4.3। ये आपके बैटरी क्योंकि एम्पीयर ले रही है, इसलिए आपको यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल भी घबराओ नहीं, और अगर आप कभी भी सर्किट में काम कर रहे हैं तो नॉलेज के साथ काम करो। मैं आगे ऐसे और भी अपडेट सर्किट लाऊंगा, जिसमें अभी 6 सीरीज लाया हूँ, 7 लाऊंगा, 8 लाऊंगा और बहुत सारी सीरीज लेके आऊंगा। दूसरों का पता नहीं, पर देवेंद्र अग्रवाल आपके लिए बहुत कुछ मोबाइल रिपेयरिंग में, अपडेट मोबाइल के रिपेयरिंग के आपको सोल्यूशन देता रहेगा। देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने एक फोन बना दूं और एक कैपेसिटर उड़ा दूं और 1-2 घंटे टेस्ट करने के बाद मैं आपको बोलूं कि देखो ये फोन चालू हो गया, तो मुझे नहीं लगता है कि ये सारी चीजें तो आज बेसिक है, बेबी बर्ड के हर कोई दुकान में बैठ के कर रहा है, पर मुझे लगता है कि आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। आप जितना समझेंगे उतना ही ज्यादा बेटर होगा। एक फोन में एक कंपोनेंट निकालने लगाने से मोबाइल रिपेयरिंग तो मुझे नहीं लगता कि होती है, बट फिर भी हम कभी कभी ऐसे जो वीडियो बनाते हैं ये भी बताने के लिए किस तरह से शॉर्टिंग हटाई जाती है, किस तरह से नहीं, बट फिर भी मेरे पास भी कुछ ऐसे मोबाइल हैं अभी जिसमें मैंने देखा है कि मेरी VIO की लाइन शॉर्ट है, मेरी VDD की लाइन शॉर्ट है, तो उसमें भी मैं वीडियो बनाऊंगा। आप मुझे बताएं वीडियो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, और ये पूरा वीडियो देख लेकर थैंक यू वेरी मच। कीप सब्सक्राइब और ध्यान देना दोस्तों, जितना शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को कर दो, क्योंकि फ्री का कंटेंट है और कुछ बेसिक वाले टीचर भी सीख ले तो अच्छा ही है। कम से कम अगर वो 8,000 भी ले रहे हैं, 10,000 भी ले रहे हैं, 15-20,000 भी लेते हैं अपने स्टूडेंट से, तो कम से कम उनका पैसा वेस्ट ना जाए, वहां पर वो अपना मेहनत का पैसा लेकर आते हैं और वो अपना पैसा वहां जाकर पता चला सिर्फ चार्जिंग कनेक्टर निकालने लगाने में लगा दिया, माइक समझे पूरा सर्किट पूरा देखे तो माइक ही समझ रहे हैं खाली, है डिजिटली माइक समझ रहे हैं और कुछ नहीं समझ रहे हैं, तो और पता चला वो जम्पर वाली जो यूट्यूब में है वही आपको मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए इंस्टीट्यूट में आप, पर आप ये सोच लेके भी मत जाना कि मैं 40,000 के इंस्टीट्यूट में जाके 80-20,000 के इंस्टीट्यूट में चले जाओ तो मुझे सब मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रियलिटी अलग है। 20,000 के इंस्टीट्यूट में आपको 20,000 वाले लेवल का ही कंटेंट मिलेगा और आप 20,000 लेवल वाला ही काम कर पाओगे, ठीक है। तो ये रियलिटी है, आप लोग समझोगे नहीं, ये तो मार्केटिंग है बस, अब ये समझ लो। अगर लेवल बहुत अच्छा होगा, जो बेस्ट होता है ना दोस्तों, उसके रेट भी बेस्ट होते हैं, और जो अपने रेट को नीचे गिराता रहता है और लोएस्ट में जाता है तो समझो कि वो बेस्ट नहीं है, वो समझो कि उसमें बस यही है कि वो मार्केटिंग है। कुछ ना कुछ तो किसी को कुछ ना कुछ करना है, और अगर कोई ज़्यादा फीस में नहीं आ रहा तो कम फीस में बेसिकली बुला लेता है। अच्छा चलो, हमारा एक कोर्स और रिवील करने वाले हैं हम बेसिक के लिए, जिसमें बिल्कुल उन बच्चों को बुलाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ बेसिक का काम सीखना चाहते हैं, जैसे कनेक्टर चेंज करना बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, आपके आपके टच लगाना, डिस्प्ले लगाना, पीसीबी को आइडेंटिफाई करना और आईसी रिवॉल्व कर, तो ये सब बेसिक का एक कोर्स हम लोग बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, मे बी 1-2 महीने के अंदर, और उसकी फीस भी हमारी कम रहेगी। विद रहना खाना बिल्कुल ये समझो कि हमारी जो फीस है उसकी आधी फीस रहेगी, जिसमें आप इतना सब कुछ सीख लेंगे और एटलीस्ट अपनी दुकान में आप काम चालू कर देंगे, इतना गारंटी है। पर उसमें MMC नहीं रहेगा,
स्कमैटिक एडवांस लेवल पे नहीं रहेगा, क्योंकि दोस्तों वो तो आपको बेसिक पे सीखने नहीं है। बट हाँ, बट अगर आपके बाद में अगर पैसे हैं और आप चाहते हैं कि सर सब कुछ एक साथ सीखे, तो आप मेरा हार्डवेयर रिपेयरिंग फुल कोर्स को अटेंड कर सकते हैं और हमें कॉल कर सकते हैं। मैं आपको गारंटी दूंगा कि देवेंद्र अग्रवाल के साथ पढ़ेंगे ना, तो आप आगे जाकर एक टेक्नीशियन से और कहीं कुछ बन जाएंगे और एक छोटा मोटा इंस्टीट्यूट तो आप भी डाल लेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। सीपीयू पे लास्ट डे क्या करके गया था? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेकर सीपीयू को मतलब जो है निकाले और उसके बाद रिबोल भी किए, उसको लगाए भी पूरा पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया सर? डुअल टेकर सीपीयू आपने रिबोलिंग और रिबोलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आई आपको? बिल्कुल सर। सीपीयू भी किया, लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल डेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गया सर? डबल डेकर किया लास्ट में। डुअल डेकर किया ना आपने, लास्ट डे क्या किया? डबल डबल डेकर सीपीयू करके गया। चाहता हूँ आखिरी दिन आपने क्या किया सर? डबल डेकर सीपीयू। डबल डेकर सीपीयू कैसे रिबोल करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज की, ये आपने की है, सारे स्टूडेंट ने की? सब स्टूडेंट ने। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ सर? डबल डेकर क्या है? मैंने ओपनिंग, क्लीनिंग और रिबोलिंग। बहुत अच्छे किया आपने, पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? आज हमने डबल डेकर किया सर। डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज आपने क्या करवाया? सीपीयू डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके वापस पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई आप। मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन सर? डुअल डेकर। डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया सर? डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू और किस सिस्टम से किया आपने? यूनिवर्सल। प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता सर? बिल्कुल मिलता है। आज आपने क्या किया सर? डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर, या आपने खुद किया? खुद से? यस सर, खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर, यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर, रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया सर सभी बच्चों ने। और सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? आज सर ड्यूल सीपीयू। किस कौन सी तारीख को आए थे सर? हम 25 पर। क्या किया आज के दिन बताइए बस सर? हमने ड्यूल डेकर किया सर। ड्यूल डेकर किया आपने? मेरे साथ इंडिया का सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट।